अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग में अपने पहले ही मैच में क्वेटा के खिलाफ शिकस्त के बाद बाबर आजम का शर्मिंदा कर देने वाला इंटरव्यू जारी हुआ, जिसमें मोहम्मद आमिर और साइम युग के बारे में बाबर आजम ने बड़ा बयान दिया जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एक मजीद वीडियो की जाने बढ़ने से कबल चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप भी बाबर आजम के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में बाबर आजम टाइप करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जी हां नाज़रीन, यहां पर आपको बताते चलें कि मैच के बाद बाबर आजम का इंटरव्यू के दौरान कहना था कि साइम युग का गलत होना हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। नाज़रीन, मैच के बाद की तकरीब में बाबर ने रन आउट पर अपनी गलती तस्लीम करते हुए नौजवान बल्लेबाज बाबर आजम ने साइम युग से माफी मांगी। बाबर आजम ने कहा कि रन आउट टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने वज़ीद कहा कि हम एक अच्छी शराकतदारी बना रहे थे और इस शराकत को इनिंग्स तक लेके जाना चाहते थे। बदकिस्मती से ये मेरी गलती थी और मैंने साइम से माजरत की है। जबकि नाज़रीन, बाबर आजम और मोहम्मद आमिर के दरमियान बहुत ही गहमा गहमी देखने को मिली, जिसमें नाज़रीन मोहम्मद आमिर बाबर आजम को शानदार बोली करवा रहे थे, जबकि बाबर आजम भी उनके सामने डटकर शानदार बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए नजर आ रहे थे।